हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन से यूपी ट्रिपल एसएससी में पीईटी एग्जाम में आने वाले 20 करंट के क्वेश्चन देखेंगे। और ये हमारे करंट क्वेश्चन का ये तीसरा सेट है। इसके पहले दो सेट मैं करवा चुका हूँ, बाकी के सेटों को भी मैं एक से दो दिन में ही करवा दूंगा। टोटल 30 सेट हैं, एक सेट में 20 क्वेश्चन है, 30 सेट का मतलब हो गया 600 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। काफ़ी हद तक हम लोग का फायदा हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए में दे रहा है, भारतीय रेलवे ने पहला गतिशील फ्रेश वाटर सुरंग एक्वेरियम बेंगलुरु में स्थापित किया है, ये बात सही है। दूसरा कह रहा है, यह एक्वेरियम अमेजन नदी के प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित एक विशिष्ट जलीय पार्क है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। और तीसरा कह रहा है इसकी लंबाई 300 फीट है, ये गलत है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों सत्य हैं। तो हमारा ये चौथा सही होगा, क्योंकि चौथे में ये कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर टू में कहा जा रहा है 2 जुलाई 2021 को सोनिक बूम जैसी तेज आवाज़ वाली घटना पिछले साल की तरह किस शहर में घटित हुई है? तो यह कहाँ घटित हुआ है? यह घटित हुआ है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थ्री में है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है यह 3 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, खबरों में रहा माउंट शास्ता ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो माउंट शास्ता ज्वालामुखी जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव में यह है कि किस केंद्र या राज्य में COVID-19 से जुड़ी तैयारियों हेतु पीले, एम्बर, नारंगी और लाल रंग के कोड पर आधारित कार्य योजना तैयार की गई है? तो यह तैयार किया गया है किसके द्वारा? यह तैयार किया गया है दिल्ली के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कितनी प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करती है? तो यह कितना प्रदान करती है? यह करती है 65.2%, यानी ऑप्शन नंबर डी, 6 में क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के किस जिले में निर्माणाधीन है? तो यह कहाँ निर्माणाधीन है? यह सीहोर में है, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, उड़ीसा के किस जिले में 4000 साल पुरानी बस्ती की खोज की गई है? तो जो 4000 साल पुरानी बस्ती की खोज की गई है यह बालासोर में की गई है, ऑप्शन नंबर सी। यानी बालासोर में क्या खोजा गया है? 4000 साल पुरानी बस्ती को खोजा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कर्नाटक वन विभाग द्वारा किस नदी से प्लास्टिक अपशिष्ट हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया? तो यह किसके लिए चलाया गया था? यह चलाया गया काबिनी नदी के लिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 6 जुलाई 2021 को दलाई लामा का 86वां जन्मदिवस मनाया गया, दलाई लामा भारत में कहाँ रहते हैं? तो दलाई लामा जो भारत में है, मैकलॉडगंज हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, अतिथि सत्कार और पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? यह किया है yatra.com के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, तिल्लारी संरक्षण रिजर्व में किस किंग कोबरा देखा गया है? यह संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तिल्लारी संरक्षण रिजर्व केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? गिरीश गौतम है, ऑप्शन नंबर ए। गिरीश गौतम जो है ये मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में फिल्म निर्माता, 14 में हमसे कहा जा रहा है फिल्म निर्माता करण जौहर ने सर चेट्टियूर शंकरन नायर पर फिल्म बनाने की घोषणा की है, वह किस रूप में प्रसिद्ध थे? ठीक है ना, तो ये किस रूप में प्रसिद्ध थे? ये जलियांवाला बाग नर संहार की सच्चाई उजागर करने हेतु, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहा जा रहा है कि जुलाई 2021 में मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद सहकारिता विभाग के मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो सहकारिता विभाग के मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो 15 में होगा बी, अमित शाह बनाए गए हैं। कौन बनाया गया? सहकारिता विभाग के मंत्री कौन बनाए गए हैं? अमित शाह को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, कोरोना वायरस के
लैम्डा वेरिएंट के संक्रमण का पहला मामला किस देश में मिला? तो यह किस देश में मिला? यह मिला था पेरू में। जो लैम्डा वेरिएंट है यह सबसे पहले कहाँ मिला? पेरू में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश स्थित बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र का खबरों में होने की वजह क्या है, या क्यों खबरों में था? तो यह इसलिए खबरों में था क्योंकि यहाँ पे प्रस्तावित हीरे की माइंस के कारण। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि भूमिगत मकड़ी की प्रजाति, ठीक है ना, की खोज किस राज्य में हुई है? तो भूमिगत मकड़ी की प्रजाति की खोज जो हुई है वह असम में हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में है कि मत्स्य पालकों को ऑनलाइन जानकारी देने हेतु मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो यह क्या है? मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि पॉलिसी मेकर जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है यह कौशिक बसु के द्वारा लिखी गई है। कौशिक बसु ने कौन सी पुस्तक लिखी है? पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सेट के 20 क्वेश्चन देखे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं कि वन महोत्सव के बारे में। वन महोत्सव 2021, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पारिजात का पौधा लगाकर, कौन सा पौधा लगाकर के? पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि प्रकाश जावड़ेकर ने वन महोत्सव की शुरुआत करने के लिए कौन सा पौधा लगाया था, तो इन्होंने लगाया क्या? पारिजात का पौधा। प्रकाश जावड़ेकर ने इस दौरान कहा कि भारत पेरिस समझौते के तहत अपने वन संपदा बढ़ाने के लक्ष्य को 2030 तक पूरा करेगा। दूसरा, अगला पॉइंट, त्यौहार का उद्देश्य लोगों को पेड़ लगाने और देश में अधिक वन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यानी जो वन महोत्सव है इसका टारगेट यह है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएं। और अगला पॉइंट, हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में भारत में वन महोत्सव का सप्ताह भर चलने वाला उत्सव मनाया जाता है जिसे हजारों पौधे लगाकर मनाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सेट नंबर 3 देख लिया है और उम्मीद है कि आपने इसके पहले के भी दोनों सेटों को देख लिया है। मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।